आप निराश हो गए हैं आप, क्योंकि पैसा कहीं से नहीं आ रहा। कहते ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इतने पैसे खर्च होते हैं कि मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दिया है आपका, कि आखिर मैं इस महंगाई में अपने परिवार को कहां से सुख दूंगा, कहां से। इस महंगाई सातवें आसमान पर चल रही है, आय आपकी बिल्कुल सोने के समान है। कहां से मैं सुख दूंगा अपने परिवार को, कहां से सुविधाएं दूंगा, और क्या करूं कि मेरी आय बढ़ जाए। नौकरी है जो बार बार छूट जाती है, एक नौकरी छूटती है, दूसरी नौकरी आप पकड़ते हैं बड़े बड़े मुश्किल से, कुछ समय के बाद वो भी नौकरी छूट जाती है। मेरे पास बहुत सारे भाई आ रहे हैं ये समस्या लेकर कि हमारी नौकरी स्थिर नहीं रहती है, हमारी नौकरी अस्थिर रहती है। हम काबिल है, हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें जॉब मिल जाता है, परंतु वह जॉब टिकता नहीं है। और जब जॉब नहीं टिकती है, नई जॉब मिलती है, तो फिर वही आय वाली समस्या, फिर से सैलरी आपके मुताबिक नहीं होती, फिर आपको प्रूव करके देना पड़ता है नई जगह पे खुद को, फिर आय बढ़ती है, तब तक नौकरी छूट जाती है, मन स्थिर नहीं रहता आपका। दूसरी बात, जॉब छूटने के साथ साथ आय बहुत फ्लक्चुएट होता है। कभी कभी इतनी कम सैलरी वाली नौकरी आपको मिल रही है कि आपको लगता है इससे अच्छा घर में बैठना ठीक है, परंतु घर में बैठना भी ठीक नहीं लग रहा है। तो अंत में आपको अपनी काबिलियत को छोड़कर, अपने सारे गुरूर को छोड़कर एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ती है, जहां आय भी बहुत कम है और जहां आपकी काबिलियत की कोई परवाह भी नहीं किसी को। तो इससे भी मेरे भाई लोगों का उत्साह जो है बहुत कम होता जा रहा है। ये समस्याएं बहुत बहुत भाई लोग लेकर आए हैं मेरे पास। आज एक उपाय बताने जा रही हूँ, जब मन बिल्कुल परेशान हो जाए, आप जहां भी जाएं और रास्ते बंद हो, लड़ झगड़ कर आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर पिताजी से आपने पूंजी मांगी, एक बड़ी सी दुकान आपने खोली, परंतु सोचा नहीं आपने कि वो दुकान डूब जाएगी। आज पूंजी बिल्कुल डूब गई आपकी, दुकान बंद होने की कगार पर आ गई, फर्नीचर तक बेचने पड़ गए और लोगों के ताने सो अलग। मैंने पहले भी कहा था तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, फिर पैसे डुबा दिए। ये सब सुनने से क्या होता है, मन और हताश हो जाता है। कुछ छोटा सा घर में घरेलू बिजनेस तुम करते हो, चलता ही नहीं है, जो भी बनाते हो वो खराब हो जाता है लेकिन बिकता नहीं है। तुम पॉलिसी बेचते हो, कमीशन पर कार्य करते हो, तुमसे कोई डील क्रैक नहीं होती। तुम जहां भी जाते हो ना, तुम्हारी बात नहीं बनती, तुम समझा कर आ जाते हो, अगला जाता है 5 मिनट बात करता है, डील क्रैक क्रैक के अपने नाम ले लेता, तुमसे नहीं हो पाता। ये एक ऐसी दुविधा है कि तुम काबिल हो, परंतु अपनी काबिलियत तुम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, और सामने वाला तुम्हारी काबिलियत समझता भी नहीं है। इसके साथ साथ तुम्हारी आय बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास कम होता जा रहा है, लोग ताने मारते हैं तुमसे कम पढ़े लिखे लड़के, तुमसे कम काबिल व्यक्ति को भी अच्छी अच्छी नौकरी है, अच्छे से अपना घर बना लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, तो तुम्हारा मन खुद को कोसता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। यदि बहुत सारी परेशानियों ने घेर लिया है, ऊपर से तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं जिससे कि रिश्ते कट रहे हैं, तुम्हारे खुद के भाई बहन माता पिता, तुम्हारे परिवार नातेदार तुमसे अब दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुरूर हो जा रहा है, अहंकार हो जा रहा है। तुम बार बार कुछ ऐसा बोल जाते हो कि बाद में तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हो जाता है, बस बोल देते हो, जिसकी वजह से रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। अर्थात मिला जुला कर, एक तो धन नहीं आ रहा, दूसरा परिवार और सहयोगी तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखो, ये सब राहु करवाता है, ये सब राहु करवाता है। जो मैंने कहा ना, तुम अपशब्द बोलते हो, रिश्ते दूर हो जाते हैं, राहु है। तुम्हें नींद आती है, आलस होते, उठने का मन नहीं करता, ऑफिस है तो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, सब राहु है। तो चलो आज चमत्कार करते हैं, इस राहु को ठीक करते हैं। बताती हूँ तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग, और ये सारी बाधाएं जीवन से दूर हो जाएंगी, इतने पैसे आने लगेंगे, हैरान रह जाओगे, चमत्कार कर देने वाले परिणाम तुम्हें निकलेंगे, धनवान हो जाओगे, बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले, यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो हर सुख हर सुविधा शांति देता है, खूब पैसे देगा, सारी कमी जीवन से दूर हो जाएगी, मन कभी अशांत नहीं रहेगा, सोते जागते चलते फिरते ओम नमः शिवाय बोला करो,
लिखा करो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। प्रथम, जिस व्यक्ति को जो नाकामयाब हो रहा है बार बार, वह पूर्णमासी के दिन अपनी माँ को बिठाए, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके एक थाल लेकर आए और माँ के दोनों पैर उसमें रखे। माँ जैसी भी हो, उस वक्त उन्हें माँ मत समझना, माँ चंद्रमा होती है और चंद्रमा बिगड़ा है तुम्हारा, तभी तो धन नहीं आ रहा। कच्चा दूध एक लोटे में लेकर आना, हाफ लीटर एक लीटर जैसा तुम्हारा बजट हो, और दूध से माँ के पांव धोना। थाली में दूध से माँ के पांव धोना, बड़े प्रेम से धोना, जैसे माँ की सेवा नहीं, मैं अपने चंद्रमा को, अपने ग्रह को सुधार रहा हूँ। आय हाय, क्या उपाय मैंने बताया है, क्या भाग्य बदलेगा, आप ध्यान से देखना कैसे किस्मत बदलेगी। जो दूध माँ के चरणों से गिरी है ना, वो थोड़ा सा दूध अपने सर पर छीटना, अपने शरीर पर छीटना, बाकी दूध पौधे में डाल देना। केवल एक पूर्णिमा ये उपाय कर लो ना, देखो चंद्रमा ना सुधर जाए तो कहना। सूर्य और चंद्रमा माता और पिता के रूप में हमारे घर पे होते हैं, हम जल देते हैं छत पर चढ़कर और पिता को गालियां देते हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे। चलो बताती हूँ, हर पूर्णमासी को एक से लेकर तीन पूर्णिमा यह उपाय करना। नौ कन्याओं को घर बुलाना, 10 वर्ष से नीचे की कन्या हो, उनके चरण धोना, उनको बिठाना, शुद्ध घी का हलवा बनाना और पूड़ी बनाना, जितना बच्चे खाए उतना ही देना, जबरदस्ती मत खिलाना, ना खा सके तो पैक कर देना कि वो घर जाए, घर लेकर जाए। लाल फल का उन्हें दान करना, या तो अनार या तो एप्पल, एक एक जरूर गोटा फल उन्हें देना, काट कर मत देना, दक्षिणा देना हो तो दक्षिणा देना। आप उन्हें वाटर बोतल, टिफिन या छोटा सा पर्स होता है जिससे बच्चियां खुश हो जाती है, और नहीं तो खिलौने जिसे देखकर बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो माता है, आपको वो खिलौने गिफ्ट करने हैं उनको, नौ कन्या को। भूलकर भी स्टेशनरी का चीज नहीं देना है, कलम, कॉपी, डायरी, ये सब नहीं देना, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके ग्रह कौन से हैं। पढ़ाई लिखाई और विद्या की चीजें आपको दान करनी है या नहीं करनी है आप नहीं जानते, इसीलिए आप इन चीजों का दान ना करें। कोई भी पैकेट फूड जो होते हैं, लेज है, कुरकुरे है, या जो भी चिप्स वगैरह आते हैं, इन चीजों का दान भी ना करें। आजकल नया जमाना है तो बिस्किट है, डेयरी मिल्क है, चिप्स है, ये सब भी दे रही हैं मेरी माताएं बहनें कन्याओं को। तो जो भाई को मेरी नौकरी छूट जा रही है, धन की कमी सता रही है, वो ना दे कन्या को ये सब चीजें, वो या तो छोटा पर्स दे या खिलौने दे, कन्याओं को पैर पूजा करे और हलवा और पूड़ी का भोग लगाए, दक्षिणा दे और लाल फल दे। केवल तीन पूर्णमासी करो ना, एक पूर्णमासी माँ के चरण धो लेना और तीन पूर्णमासी नौ कन्याओं को माँ समझकर पूज लेना। दुर्भाग्य यदि सौभाग्य में ना बदल जाए तो कहना, कैसे जीवन जागृत होता है, कैसे धन की वर्षा होती है, देखोगे स्वयं अपनी आंखों से। अवश्य करें अपना अनुभव, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। हो जाओगे गदगद, बन जाओगे अमीर, हो जाओगे करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।